है यहां पर विकास, WSP रिको में डीजी इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। लालगढ़ निवासी हनुमान सुथार ने डीजी रूम में खुद को फांसी लगा ली। पिछले 14 महीनों से उससे वेतन नहीं मिल रहा था और आर्थिक तंगी से मानसिक तौर पर वो परेशान चल रहा था और उसी में उसने आत्महत्या की। इस घटना को अंजाम दिया। वेतन के लिए 600 मजदूर पिछले 24 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व विधायक कामिनी जिंदल पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। गंगानगर से हमारे संवाददाता डीपी शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डीपी, इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली और कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एक तो वेतन नहीं मिल रहा था और कई मजदूर वेतन के लिए धरने पर बैठे हैं और एक जनप्रतिनिधि को भी इसमें नाम लेकर आरोप लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? जी प्रभात, अगर ये बात की जाए तो ये कल बीती रात की बात है। ये किसी विकास DWC जो कंपनी है, फैक्ट्री है, ये जो दिवंगत BD अग्रवाल की, इसके अंदर ये मजदूर वर्ग काम कर रहे थे। पिछले इनको लगभग 14 महीनों से पैसे नहीं मिले, 14 महीनों से पैसे नहीं मिलने की वजह से इन मजदूरों ने न्यायालय के अंदर भी गए। ये श्रम विभाग के अंदर इनको कोई न्याय नहीं मिला। तो पिछले ये 24 दिनों से ये जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर धरने लगा करके बैठा था। इनके जो मजदूर है, पीड़ित है, इनके घर के अंदर शादी थी, बच्ची की शादी होने की वजह से ये काफी ज्यादा दुखी था और ये बीती रात वो विधि अग्रवाल की फैक्ट्री में वो आ गया। वहां जाकर के परेशान होकर के उसी की फैक्ट्री के अंदर जनरेटर रूम के अंदर इसने अपनी फांसी लेकर के अपनी लीला खत्म कर ली। इसको लेकर के मजदूरों के अंदर काफी विवाद हुआ। बीती रात पूरी रात मामला ये काफी ज्यादा ये आक्रोशित होता रहा। आज सुबह फिर प्रशासन ने लगभग 2 बार इनके साथ बैठक की, लेकिन अभी तक ये मामला जस का तस बना हुआ है। अगर दूसरी साथ इसको अगर देखा जाए तो ये बीडी अग्रवाल इनकी इकलौती एक वारिस है, पूर्व विधायक कामिनी जिंदल से इस संबंध के अंदर जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने न तो अभी तक किसी फोन पे बात की और ना ही वो मिलने से आगे आ रही है कहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया डीपी पूरी जानकारी के लिए। डीपी शर्मा हमारे सहयोगी गंगानगर से जानकारी दे रहे थे कि विकास WSP रिको ये कंपनी है जिसमें इंजीनियर हैं और जो मजदूर हैं उनको कई दिनों से वेतन नहीं मिल रहा है। करीब 14 महीने से उनका वेतन बकाया चल रहा है और पिछले 24 दिन से करीब 600 मजदूर यहां पर धरने पर भी बैठे हुए हैं और आज इन हालात के बीच घर में एक शादी समारोह होने की वजह से पैसे नहीं होने के कारण अवसाद में आकर इस डीजी इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली।